देश के दिल मध्य प्रदेश ने सनातन धर्म के दिल आदि शंकर को सदियों बाद जीवंत स्वरूप में स्थापित कर सनातन धर्म की बड़ी सेवा की है। आदि शंकराचार्य ने हजारों साल पहले सुदूर दक्षिण के केरल राज्य से चलकर मध्य प्रदेश की धरती ओमकारेश्वर में गुरु ज्ञान पाकर भारत के सनातन धर्म को देश के चारों कोने से जोड़ने का कालजयी काम किया था। उन्हीं कामों और अनुभूतियों को शाश्वत और जीवंत स्वरूप देने के लिए एक आत्मधाम की स्थापना का कालजयी प्रयास अब मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। ओमकारेश्वर की मानधाता पहाड़ी पर 108 फीट की अष्ट धातु की आदिशंकर की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। एकात्मकता की इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ वननेस के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। एकात्म धाम को अद्वैत वेदांत के विश्व केंद्र के रूप में विकसित कर मानव जीवन के सत्य को आत्मसात करने का ये महान संयोजन है। सनातन धर्म को मिटाने की दक्षिण भारत से आज आवाज उठाई जा रही है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में दक्षिण से उठी आदिशंकर की अंतर्दृष्टि से चारों ओर फैले सनातन की अविरल धारा को नर्मदा के तट पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आदिशंकराचार्य को मध्य प्रदेश में गुरु ज्ञान मिला था। शंकराचार्य के संकल्प से भारत के चारों कोने सनातन की मजबूत धारा से जुड़ गए हैं। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा पीठ और उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ सनातन संस्कृति की पताका को ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। आज भी इन चारों पीठों में शंकराचार्य सनातन संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक बने हुए हैं। ओमकारेश्वर का एकात्म धाम इन चारों मठों के समन्वय के रूप में आदि शंकराचार्य की अनुभूति और दर्शन को दुनिया में गौरवपूर्ण स्थान पर पहुंचाने में सफल होगा। ओमकारेश्वर सनातन धर्म का आधार है। इसका सर्वप्रथम उच्चारण सृष्टिकर्ता विधाता के मुखारविंद से हुआ। वेद का पाठ ओम के उच्चारण के बिना नहीं होता है। मानधाता का ओमकार क्षेत्र ओमकार का भौतिक विग्रह है। नर्मदा और कावेरी के संगम पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग इस स्थान को सृष्टि की उत्पत्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार क्षेत्र का पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व सनातन और शाश्वत है। मानव खंड खंड जीवन का अभ्यस्त हो गया है। अंदर से कुछ और सोचता है और बाहर आचरण में कुछ और प्रदर्शित करता है। यही खंड खंड जीवन का पाखंड परम सत्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक अंदर और बाहर का चिंतन अखंड नहीं होगा, तब तक न मनुष्य अखंड होगा न राष्ट्र अखंड होगा। आदिशंकर की जीवन धारा सनातन के रूप में संन्यास परंपरा में जीवित है। कंकर कंकर शंकर की धारणा में ही वही चिंतन और सनातन आस्था बसी हुई है कि मनुष्य की चेतन ऊर्जा एक है। एकात्मकता का यही भाव भारत को अखंड बनाएगा। आचार्य शंकर जीव को ब्रह्म और जगत को मिथ्या कहते हैं, तो वो चेतना की एकात्मकता के प्रति जागृत होने का संदेश देते हैं। जीवन का सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मनुष्य कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। फिर भी इस मिथ्या को आत्मसात किए बिना क्षणभंगुर जीवन में सुख की आशा में दुख भोग रहा है। एकात्म धाम आचार्य शंकर का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। इस पुनर्जीवन में शिवराज सरकार की भूमिका को जीवन सत्य के प्रति समर्पण के रूप में देखना ज्यादा प्रासंगिक होगा। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उसे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए, इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। जो काम जीवन के सत्य से जुड़ जाता है वो शाश्वत हो जाता है। एकात्म धाम सनातन धर्म के आस्था केंद्र के रूप में जीवंत तो बना रहेगा। इस सत्य में मध्य प्रदेश सरकार और एकात्म धाम को आकार देने के निर्णय के शिल्पकार शिवराज सिंह चौहान भी सदियों तक जुड़े रहेंगे।
देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।